जब भी हम कभी किसी को देखते हैं तो इफ यू आर अ मेल तो आपका ध्यान चला जाता है फीमेल की तरफ, कोई फीमेल है तो उसका ध्यान चला जाता है मेल की तरफ, बिहेवियर चेंज हो जाता है, सब कुछ चेंज हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि हम एक फीमेल को देखते क्यों हैं? क्या ये नेचुरल है या ये हमारी कंडीशनिंग है? फॉर एग्जाम्पल, आपको यहां पर टच किया किसी ने, टच तो टच है, टच में ना सुख है ना दुख है। यही टच अगर अभी आपको किसी छिपकली ने किया तो क्या होगा? ये क्या हो गया, गंदा है। टच तो टच है, ना छिपकली गंदी है ना उसका टच गंदा है, ना आपका माइंड गंदा है। माइंड में उसका टच गंदा है, इस वजह से वो टच गंदा है। आप सो रहे हो, आपके ऊपर 10 छिपकलियां निकल गई, आपको पता नहीं लग रहा, कोई टच गंदा नहीं है। यही आपको टच किया आपके फेवरेट एक्टर ने, या फिर आपकी जो फेवरेट एक्ट्रेस है कौन है, तो यही आपको टच किया। आप इमेजिन करो, आपको दीपिका पादुकोण ने टच किया तो फुदकते हुए नजर आओगे, फड़फड़ा जाओगे एकदम कि ये क्या हो गया। अरे टच तो टच है, समझ रहे हो? तो क्या हो रहा है, आपकी कंडीशनिंग हो गई। कंडीशनिंग किसने करी? इस पूरी पूरी सोसाइटी ने करी, पूरी दुनिया ने करी। इस कंडीशनिंग को कौन तोड़ेगा? सोसाइटी तोड़ेगी? जिसने खुद ये कंडीशनिंग करी है कभी नहीं तोड़ेगी, आपको खुद तोड़नी पड़ेगी। इस सच को जानना पड़ेगा, देखना होगा उस पूरे के पूरे मूवमेंट को। दैट इज रियल मेडिटेशन। जिस वक्त आपके ऊपर डिजायर हावी हो रहा है, उस वक्त देखोगे वो डिजायर कैसे उठता है, कहां जाता है। जब आपको कुछ दिखता है, दिखने में कुछ अच्छा बुरा नहीं है, दिखने से रिलेटेड जो आपने कहानी अपने माइंड में बनाई हुई है उसकी वजह से आप खुश हो रहे हो, परेशान हो रहे हो। जो चीजें हमें अच्छी लगती है जरूरी नहीं वो अच्छी हैं, जो हमें बुरी लगती है जरूरी नहीं वो बुरी हैं। हमारे लिए सबसे बुरी चीज क्या है? पॉटी। तो जिस चीज से हमको इतनी नफरत है, एक ऐसा जानवर भी है जिसके लिए वो उसका फेवरेट खाना है, सुअर, पिग। सोचो अगर आपको इस बॉडी में से निकाल करके सुअर की बॉडी में डाल दिया जाए तो क्या होगा? वही बॉडी आपको अच्छी लगने लग जाएगी। तो अच्छी और बुरी चीजें बदल रही है डिपेंडिंग अपॉन योर कंडीशनिंग, कंडीशनिंग ऑफ योर बॉडी, कंडीशनिंग ऑफ योर माइंड, उसके अकॉर्डिंग सब कुछ बदलता चला जा रहा है। इस बदलती हुई दुनिया में कुछ ऐसा है जो नहीं बदल रहा, वो आप। इस बात को समझो कि जब हमारा टाइम अच्छा होता है हाँ तब तो मस्त हो जाते हैं, और जब टाइम बुरा होता है तब हम बिल्कुल ही ऐसे हो जाते हैं, उदास और दुखी, और ये वो पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। और जब कुछ अच्छा हो रहा होता है तब हम नहीं बोलते कि मेरे साथ में इतना अच्छा क्यों हो रहा है, कोई नहीं बोलता। सोचा है कभी कि जो आपको जिंदगी में सुख मिले हैं उसके बारे में कोई बोलता है कि मुझे इतने सुख क्यों मिले हैं, मैं इतनी सुखी क्यों हो रही हूं, मुझे इतना अच्छा पति क्यों मिला है, कि मुझे इतनी अच्छी बॉडी क्यों मिली है, कि जो आम है इसका टेस्ट इतना अच्छा क्यों है, कोई नहीं बोलता कुछ नहीं। उस समय तो पागल हुए पड़े होते हैं, होश ही नहीं होता। होश कब आता है? जब कोई दुख आता है, तब आदमी एकदम से जागता है, ये क्या हो गया, है ना। तो अब अल्टीमेटली क्या हो रहा है, इसको अगर ध्यान से आप देखोगे, ये हमारी बेसिक टेंडेंसी है ह्यूमन की। सपना कब टूटता है? आप सपने में हो, सपना चले जा रहा है, चले जा रहा है, बड़ा मजा आ रहा है, वाह क्या सपना है, चल रहा है, इटर्निटी में चल रहा है, सदियां निकल गई, 100 साल हो गए सपने में, 200 साल हो गए, चले जा रहा है, यार सब बढ़िया, उड़ रहा हूं, एकदम से भूत देख लिया, सपना टूट गया, जाग जाओगे। कभी भी नोट करना इस चीज को, सपने से आप तब जागते हो जब कुछ बुरा होता है आपके साथ, अच्छे में नहीं जागते। तो अब गड़बड़ क्या है यहां पर, देखो जब हमारा टाइम अच्छा होता है तब हम बन जाते हैं भोगी, सुख भोगने में लग जाते हैं। टाइम अच्छा चल रहा है, खाओ पियो मस्त रहो, पार्टी करो, ये करो वो करो, अरे मजे मारो जिंदगी के, सब कुछ बढ़िया है ना। मतलब हम ऐसे फंटूश बन जाते हैं जैसे कि हमारे साथ तो कभी कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती, हमें ये विश्वास हो जाता है कि ये टाइम हमेशा के लिए रहने वाला है। तब हम इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं फालतू की चीजों में, उस सुख को भोगने में, मजे मारने में, कि ये सब बातें जो मैं कर रहा हूं इस तरफ हम सोचते नहीं। अभी सोच रहे हो, यहां पे बैठे हो, बाहर निकल करके सोचने की क्या जरूरत है अगर लाइफ बढ़िया चल रही है तो, सिंपल कॉमन सेंस। और अगर लाइफ बुरी है तो क्या उसको मेरी बातें समझ आएंगी? तो जो सुख में है वो समझना नहीं चाहता इन सब बातों को, इसके बारे में सोचना नहीं चाहता,
क्या जरूरत है सोचने की, भगवान के पास में जाओ, मंदिर में बैठो, हाथ जोड़ करके बैठे रहो, हाँ भगवान सब अच्छा कर दो, सब ठीक कर दो, बस ये टाइम ऐसे ही चलता रहे, आपकी बहुत कृपा है मुझ पर, मेरी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। और जब दुख होता है तो सुख में हम समझना नहीं चाहते, दुख में हम समझ नहीं सकते। तो समझोगे कब? अगर आपकी बॉडी में अभी अनबियरेबल पेन हो रहा हो, आपको मेरी बातें समझ आएंगी क्या? आ ही नहीं सकती। आपके घर में अभी कुछ दिन पहले किसी की डेथ हुई हो, मेरी बातें समझ आएंगी क्या? आ ही नहीं सकती। बार बार याद आ रही होगी उस इंसान की, पापा की, मम्मी की, भाई की, बहन की, व्हाटएवर, तो सारा ध्यान वहां पर है। तो जैसे ही वो याद चली जाएगी, वो दुख चला जाएगा, तो क्या होगा? सुख आ जाएगा। अब मजे मारो, दोनों ही ट्रैप है। इसको देख पाना इज इंटेलिजेंस, कि पेन और प्लेजर में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक दूसरे का पीछा करते रहते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कुत्ता अपनी पूंछ के पीछे भाग रहा है, गोल 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 घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, खुश हो रहा है, पकड़ नहीं सकता उस पूंछ को कभी भी, सुख को पकड़ नहीं सकता जब तक समझेगा नहीं खेल को। तो समझना कब है? सुख में। लोग क्या बोलते हैं, स्पिरिचुअलिटी में जाओ 60 साल की उम्र में, ये कोई उम्र है? तो मजे मारो, शादी करो, हनीमून पे जाओ, बच्चे पैदा करो, यही मजे मारो। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मजा। खाओ जानवरों की तरह, खाए जाओ, खाए जाओ, खाए जाओ, इसको मजा बोलते हैं? ये मजा है, यही मजा सजा बनती है। अगर आप पी नहीं रहे तो आप जी क्यों रहे हो? है ना, कि अगर तू दारू नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, उल्टे सीधे शौक नहीं है तो जी क्यों रहा है? तो क्या सोच रहे हैं, क्या हो गया कि जब वक्त है समझने का, अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ाने का, इंटेलिजेंस को बोलते हैं हिंदी में विवेक, माइंड को शार्प करने का, तब तो उस माइंड को हमने लगा दिया प्लेजर्स में, जिससे माइंड डल हो गया। प्लेजर्स में क्या होता है? माइंड डल हो जाता है। कभी नोट किया है? एक बड़ी इंटरेस्टिंग मेडिटेशन बताऊं, कभी जो पीक ऑफ डिजायर है या पीक ऑफ फियर है, उस वक्त में अपनी हालत को नोट करना कि आपकी हालत क्या होती है, आपका ध्यान आपके वश में होता है या नहीं होता है, ऐसे ओवर पावर कर लेता है वो आपको, होश ही नहीं होता। करेगा ही करेगा ना, करेगा ही करेगा गलती, और क्या करेगा। समझदारी, मेरी जो बातें हैं समझ आ रही है, मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा? इस पूरी मूवमेंट को देख पाना ही इंटेलिजेंस है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। एक इंटेलिजेंस है बाहर की दुनिया की, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। एक साइंस है बाहर की दुनिया की, ये भी साइंस है अंदर की दुनिया की। दोनों में फर्क क्या है? वहां हम अपने दिमाग को लगा रहे हैं, अपनी इंटेलिजेंस को लगा रहे हैं किसी चीज को समझने के लिए, कि पेपर क्या है, इस पे जो है ये किस चीज का लिखा हुआ है, इंक का लिखा हुआ है, किस तरह से दिखता है, अच्छा इस पे लाइट पड़ती है तो ये ब्लू दिखता है, ब्लू ब्लू क्यों दिखता है, व्हाइट व्हाइट क्यों दिखता है, ये सब साइंस के दायरे में आ गया। एक है हमारे अंदर की साइंस, मुझे सुख क्यों होता है, मुझे दुख क्यों होता है, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं सुख को तो पकड़ लूं और दुख को छोड़ दूं? तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये आपको अंदर ले जाते हैं। अंदर मतलब वो वाला अंदर नहीं जो लोग समझते हैं मेडिटेशन में, कि आंख बंद करी और अंदर जा करके लाइट्स देखी, ये हुआ वो हुआ, अजीब अजीब तरह के धमाके हो रहे हैं अंदर, इट इज नॉट रियल मेडिटेशन। वो फिर इल्यूजन्स में आप चले गए। जो भी चीज आई और गई, वो चाहे कैसा भी एक्सपीरियंस हो, कोई भी मेडिटेशन में आप गए, कोई एक्सपीरियंस हुआ चला गया, जो आया जिसकी वजह से आप खुश हो रहे हो, जब वो चला जाएगा उसी की वजह से आप दुखी हो जाओगे, देख रहे हो? तो आपका सुख ही आपके दुख का कारण है। आपको लाइट दिख गई, उसकी वजह से आप बड़े खुश हो गए, आपका मकसद था मेडिटेशन में आंख बंद करी, किसी ने आकर के आपको बोल दिया कि मेडिटेशन का मतलब यह होता है कि यहां पर लाइट देखनी है, आप देखने लग गए, लगे रहे लगे रहे लगे रहे, 6 महीने बाद आपको लाइट देखनी शुरू हो गई, यहां पर एक लाइट दिख गई, अब क्या होगा? आप खुश हो जाओगे। देयर इज नथिंग एल्स, दैट इज जस्ट अ प्रोजेक्शन ऑफ द माइंड, है ना? सो आपको दिख गई, आप खुश हो गए, अब आपको 3 दिन बाद दिखनी बंद हो गई, अब क्या होगा? वो लाइट जो 3 दिन के लिए आपके सुख का कारण बनी, वो जिंदगी भर के लिए आपके दुख का कारण बन जाएगी। सिंपल, इस बात को समझ लेना इंटेलिजेंस है। जब हमको ये समझ आ गया तो हम टेम्परेरी चीजों के साथ ऑटोमेटिकली अटैच नहीं होंगे। इसमें कहीं भी कोई बहुत स्पिरिचुअल या कोई मिस्टिकल बात नहीं है, कॉमन सेंस है। स्पिरिचुअलिटी इज कॉमन सेंस, कुछ दिख रहा है उसको एज इट इज देखना।